हरिओम। आज अक्टूबर फर्स्ट है और 2024 है, 1 अक्टूबर। इसमें भगवान कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं द्वितीय अध्याय के। अब इसी कर्मयोग की जो विशेषता है, देखो यहाँ क्लियर समझ ले, दो बुद्धि है या दो मार्ग है या दो योग है, एक है कर्मयोग और एक है ज्ञान योग। उन्होंने एक नाम दिया, सांख्य बुद्धि और कर्म बुद्धि। योगे बुद्धि मीन्स कर्म बुद्धि, सांख्य बुद्धि मीन्स सांख्य बुद्धि। तो कर्म बुद्धि माने कर्मयोग, कर्म करते समय बुद्धि रहनी, क्या रहनी, भगवान के प्रति समर्पण। और सांख्य बुद्धि माने आत्म तत्व बुद्धि। मनुष्य कर्मयोग जब करेगा, अंतकरण शुद्ध होगा, उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो सांख्य बुद्धि। ये दोनों बुद्धि में एक क्वालिटी है, वो एकात्म है, माने कंसंट्रेटेड है, पेनिट्रेटेड है। अब थोड़ा दर्शन के दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो कणाद आदि जो बुद्धि को अलग अलग प्रकार के मानते हैं, अनेक मानते हैं, तो अर्जुन के मन में ये हो सकता है। हालांकि अर्जुन के मन में ऐसे कुछ नहीं है, भगवान ने ही जोड़ा। कहते देखो, बाकी छोड़ करके कर्मयोग और भक्ति योग माने कर्म बुद्धि और ज्ञान बुद्धि को छोड़कर, बाकी कोई भी बुद्धि, कोई भी बुद्धि माने क्या, भोग बुद्धि, सकाम कर्म की बुद्धि। शब्द मैंने सकाम कर्म किया, क्यों, कर्म योग है ना, निष्काम कर्म। अगर तुम्हारी बुद्धि है तो वो अनंत है, वो बिखरती हुई है, ये बात इसी श्लोक में कहते हैं। ये कर्मयोग के विशेषता है। कर्मयोग में बुद्धि एक है, ज्ञान योग में भी है, और बाकी में बुद्धि अनंत है। श्री भगवान वाच 41, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक हकुरु नंदन बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः। हे कुरु नंदन, तुम कुरु वंश के हो, जिसके नाम से, जिस राजा के नाम से ये कुरुक्षेत्र पड़ा है। इतने बड़े श्रेष्ठ एक देवता इंद्र आदि उनको वर प्रदान किया था, ऐसे कुरु नंदन तो कुरु वंश के। इह मीन्स इसमें, इसमें माने कर्मयोग, इह इसमें कर्म में व्यवसायात्मिका बुद्धि, ये टेक्निकल शब्द है व्यवसायात्मिका। ऐसे व्यवसाय का साधारण हम लोग जो अर्थ समझते हैं, ओ आपका व्यवसाय क्या है, मीन्स बिजनेस, और थोड़ा सा समझते हैं तो आप ऑक्यूपेशन क्या, आपकी वृत्ति क्या है, आप क्या करते हो, व्हाट इज योर जॉब, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज योर जॉब, व्हाट डू यू डू। तो यहां पर व्यवसाय का अर्थ है, तुम्हारा मन जब कंट्रोल हो गया है, व्यवसायात्मिका मैंने निश्चयात्मिका रियल। तो व्यवसाय, तो इसे व्यवसाय के अलग अलग अर्थ ले सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। प्रयत्न, जो बुद्धि निश्चयात्मिका है, प्रयत्न करती है, उद्योगक बुद्धि है, उत्साह है उसमें, पुनः पुनः अथक प्रयत्न करने के जो है स्वभाव है, कर्म कुशलता है, ऐसे जो बुद्धि है वो एक ही है, वो पेनिट्रेटेड, वो कंसेंट्रेटेड है। मगर जब बाकी अव्यवसायात्मिका है, जो डिसइंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड डिसइंटीग्रेटेड, पेनिट्रेटेड नॉन पेनिट्रेटेड, अव्यवसायात्मिका डिसइंटीग्रेटेड, जो निश्चयात्मिका नहीं है, पता नहीं क्या करता है। बहुत लोग ऐसे है, हमने देखा है, कुछ लोग प्रवचन सुनते हैं, किसी गुरु का छोड़ दिया, फिर दूसरे को सुनते हैं, फिर ऐसे करते हैं, एक ही नहीं रखते, पता नहीं क्या 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 करते रहेंगे, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, बड़ा अव्यवसायात्मिका बुद्धि उनके। क्या है, बहुशाखा, अब बहुत शाखा है और अनंत है उसके, कोई क्या, एक ही नहीं है वो, अनंत है, इसलिए बहुशाखा और अनंत है उसका भेद, अर्थात संसार में पड़े रहते हैं।
ऐसे व्यक्ति जानो। तो बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया। फिर हम लोग आगे, और क्यों कर्मयोग का टॉपिक चल रहा है, आगे और बताएंगे हम कल, देखेंगे।